वेलकम फ्रेंड, मैं हूँ दीप कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल दीप। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक होगा, ग्रुप फायर में आप आईडी एक्टिवेट कैसे करें और डिफोरी कैसे करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। तो उसके पहले मेरा यूट्यूब चैनल में पहले बार आया तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आपको एक्टिवेशन में जाना पड़ेगा। इसमें एक्टिवेशन है, आपको उसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेगा डिपॉजिट में आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद इसमें अमाउंट में आप $30 डाल के USD सिलेक्ट कर दीजिए। तो जब भी सिलेक्ट कर देगा तभी जो एक QR कोड है भेज है तो इसको कॉपी कर लेना है, उसका तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको बाइनेंस एक्सचेंज में आना पड़ेगा। तो उसके बाद ये जो USDT है उसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसमें उद्रोल है, उद्रोल में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेन भाई क्रिप्टो नेटवर्क, उसमें आपको क्लिक कर देना है। गो इट, उसके बाद इसमें एड्रेस पेस्ट कर दीजिए, इसमें नेटवर्क सेलेक्ट कर दीजिए, टोन TRC20 में क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि USD होता है TRC20 होता है। उसके बाद कॉन्फर्म कर दीजिए। कॉन्फर्म करने के बाद इसमें आपको मिनिमम 31 डालना पड़ेगा क्योंकि 80 सेंट काटता है ट्रांजेक्शन फीस। उसके बाद आप उद्रोल में क्लिक कर दीजिए कॉन्फर्म। उसके बाद मेरा फ़ोन नंबर का कोड आ चुका है और ईमेल आईडी का कोड आ चुका है, मैं सबमिट कर देता हूँ। तो सक्सेसफुल हो गया है। ओके, तो देखिए प्रोसेसिंग में है अभी, ठीक है, कुछ देर में क्लियर हो जाएगा तभी। तो दोस्तों सक्सेसफुल हो गया है। तो उसके बाद इसमें जो है ना TXID, इसको आप कॉपी कर लेना है। तो कॉपी कर लिया मैंने, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको साइड में जाना पड़ेगा। जाने के बाद इसमें जो ट्रांजेक्शन है उसका जो हैश है वो इसमें पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट करने के बाद क्लोज फाइल में जाके उस जो पिक्चर है स्क्रीनशॉट जो लिया है मैं, ठीक है, उसको मैं स्क्रीनशॉट अपलोड कर देता हूँ। अपलोड कर दिया मैंने। उसके बाद डिपॉजिट में आपको क्लिक कर देना है। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो फंड डिपॉजिट रिक्वेस्ट क्रेडिट, ओके फ्रेंड। तो उसके बाद आप जो सबमिट कर दिया है उसके बाद आपको देखना पड़ेगा रिपोर्ट में। तो डिपॉजिट जो रिपोर्ट है उसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए कंप्लीट हो गया, मेरा फंड आ चुका है। ओके, तो उसके बाद आप आईडी को एक्टिवेशन कैसे, आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपको मेनू में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एक्टिवेशन पैकेज में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक कर दिया, उसके बाद इसमें जिसका आईडी होगा वो आप डाल दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद सिलेक्टेड पैकेज कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो उसका नाम आ चुका है और उसके बाद आप एक्टिवेट पैकेज में क्लिक कर देना है। तो आईडी एक्टिवेट हो गया है।